गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। ओके, फ्लावर के पार्ट कौन कौन से पार्ट होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आज हम उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है? देखो, फ्लावर जो होता है ना, वो क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है। कैसे? फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम। इसका मतलब क्या? फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम, क्या इसका मतलब बताइए? क्योंकि ये स्टेम से ही फॉर्म होता है। ये फ्लावर जो है वो स्टेम से ही बनता है, स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है? अगर हम बात करें जिंगर की, तो जिंगर क्या है? रूट मॉडिफिकेशन, शूट मॉडिफिकेशन क्या है, ठीक है? इसको आप लोग कमेंट में बताइए कि जिंगर क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है या शूट मॉडिफिकेशन, ठीक? अगर हम कैरेट की बात करें तो कैरेट क्या है? कैरेट को क्या कहेंगे? लोग स्टेम कहेंगे कि रूट कहेंगे, बताइए? पोटैटो को रूट कहेंगे कि स्टेम कहेंगे? स्टेम मॉडिफिकेशन कहेंगे कि रूट? ये सारे बताइए कमेंट में, ठीक है? और बताल इसको जिन लोगों ने सही जवाब दिया, कल मैं बताऊंगा किसने सही जवाब दिया वीडियो लेक्चर में, ठीक है? तो आ जाओ, फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। देखो कैसे है, जैसे ये उसको स्टेम है, ठीक है? और ये सारे स्टेम के क्या है? नोड है। इसको क्या कहेंगे? नोड। और जो ये गैप है ना, ये गैप प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटर नोड। जो इन दोनों गैप, जो इन दोनों नोड के बीच जो गैप प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं इंटर नोड। अब इसमें नोड्स पे क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टमैटिक टिश्यू, मेरिस्टमैटिक टिश्यू टिप ऑफ द स्टेम, ठीक है? टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट पे कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। कौन सा टिश्यू? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है? तो जो गाइनोसियम है ना, जो गाइनोसियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, वो यहीं से, वो एपिकल मेरिस्टेम से ही अराइज होता है, स्टेम के एपिकल मेरिस्टेम से ही अराइज होता है। ओके, तो जैसे ये स्टेम है, तो बता दे रहा हूँ कि ये स्टेम है, तो जो गाइनोसियम का अराइज होगा, गाइनोसियम सीम, मैंने कल आप लोगों को बताया था, ये स्टिग्मा हो गया, ठीक है? ये बीच वाला पार्ट स्टाइल हो गया, स्टिग्मा स्टाइल एंड ये ओवरी। तो जो ये गाइनोसियम अराइज हुआ है, वो किस पार्ट से अराइज हुआ है? एपिकल मेरिस्टेम से। क्लियर है? यहां पे लिखिए गाइनोसियम, गाइनोसियम आर अराइज फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम ऑफ स्टेम, ठीक है? एंड अदर फ्लोरल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर अराइजेस फ्रॉम नोड्स। अदर फ्लोरल यानी कि पेटल्स की बात करें, सेपल्स की बात करें, ठीक है? तो पेटल्स को हम लोग और क्या कहते हैं? पेटल्स को कल मैंने बताया था ना कि पेटल्स का फंक्शन क्या होता है, पेटल्स का फंक्शन क्या होता है? पेटल्स को हम और क्या कहते हैं? कोरोला भी कहते हैं, कोरोला, ठीक है? और पेटल्स क्या करता है? पॉलिनेशन के लिए जो पॉलिनेटर्स हैं उनको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है? कलरफुल होता है। एंड सेपल्स क्या करता है भाई? सेपल को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स भी कहते हैं। और ये दोनों किस में आते हैं? ये दोनों किस में आते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स में आते हैं,
ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं, एसेसरी एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं। ठीक है, पेटल्स को कोरोला भी कहते हैं, सेपल्स कैलिस भी कहते हैं, और मैंने कल बताया था एसेसरी ऑर्गन्स क्यों आते हैं। ठीक है, तो जो अदर फ्लोरल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जैसे क्या है, ये आपका पेटल्स हो गया, सेपल्स हो गया, पेडिसेल्स हो गया, ठीक है, तो ये सारे पार्ट जो होते हैं फ्लावर के, वो कहाँ से अराइज होते हैं, अराइज फ्रॉम नोड। ठीक है, ये सारे पार्ट कहाँ से अराइज होते हैं, नोड से अराइज होते हैं। ओके, तो हम मेनली फोकस करेंगे कि एंड्रोसियम के बारे में, यानी कि मेन प्रोटिक पार्ट के बारे में चैप्टर में मेनली फोकस करेंगे। ठीक है, पहले पहले हम एंड्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम गाइनोसियम पे जाएंगे। ब्रीफ में ओके, इसको इरेज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जहां जाके ये फिलामेंट जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा एंड कहते हैं, डिजिटल एंड कहते हैं। ठीक है, डिजिटल एंड जहां फिलामेंट एंथर से जाके जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल एंड। एंड फिलामेंट कहां आके अटैच है, पेडिसल से, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड। अभी जो एंथर होते हैं ना, एंथर जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थेका, ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, पहला मोनोथिकस, मोनोथिकस, एंड दूसरा डाइथिकस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को इस चैप्टर में डाइथिकस एंथर के बारे में पढ़ना है। ओके, मोनोथिकस किसका है, कोई स्पेशली स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, मालवेशी फैमिली का। ठीक है, मोनोथिकस जो है ना, मोनोथिकस की अगर बात करें तो मोनोथिकस इज अ मोनोथिकस वर्सटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मालवेशी फैमिली। ठीक है, तो हम लोगों को इस चैप्टर में डाइथिकस के बारे में पढ़ना है। देखो, थोड़ा सा एंथर के बारे में देख लेते हैं इस पॉइंट में। देखो क्या होता है कि अगर कुछ जनरल चीजें हैं, अगर जो आपका एंथर है, जो आपका फिलामेंट है, वो एंथर से अगर नीचे साइड से जाके जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिफिक बेसल पार्ट, यानी कि बेसल पार्ट से जाके जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेसिफिक टाइप्स ऑफ एंथर। ठीक है,
यानी कि फिलामेंट जैसे अंदर से जाके जुड़ा होगा, इसको हम वैसे फिक्स्ड कहते हैं। ओके, और अगर एंटर से फिलामेंट डॉर्सल साइड से जाके जुड़ा हुआ है, डॉर्सल साइड से, इसको हम लोग कहते हैं इस तरह के स्टैमन को हम लोग कहते हैं डॉर्सी फिक्स। ठीक है, अगर एंथर से फिलामेंट ये ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जाके जुड़ा हुआ है पूरा, तो इस तरह के हम लोग स्टैमन को कहते हैं एडी में, क्या कहते हैं एडी में, डॉर्सी फिक्स वैसे। ओके, अब हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, ठीक है, कट करके उसके अंदर क्या क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना है फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हम आप लोगों को क्या करेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एंथर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।